नमस्कार मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि देव के पदों के बारे में जिसमें हंसी की चोट सपना और दरबार मुख्य रूप से शामिल है और ये पाठ आपको सी की कक्षा ग्यारहवीं के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्राप्त होगी तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को देखिए यहाँ इस पाठ से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे सबसे पहले हम लोग आज आते हैं देव के जीवन परिचय या कवि परिचय पर महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की अनेक आश्रयदाता राजाओं नवाबों धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत दिक्कत से देखा था इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वित्रृष्णा हो गई थी आपको मैं बता दूं कि ये जो देवदत्त द्विवेदी फेमसली देव के नाम से जाने जाते हैं वो एक राजकवि हुआ करते थे और इन्होंने सबसे पहले औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के पास राजकवि के रूप में कार्य किया और राजकवि का कार्य होता था कि वो राजाओं के प्रशंसा के बारे में रचनाएं रचे कविताएं रचे कवित्व रचे गीत रचे सवैया रचे साथ ही साथ राजाओं के मनोरंजन के लिए भी वो कविताएं रचे पदों की रचना करे ये सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के आश्रयदाता के यहाँ से प्राप्त करते हैं विशेषता देखिए रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं भाषा कवि देव के काव्य की भाषा कोमल कांत पदावली युक्त ब्रजभाषा है भाषा में प्रवाह और लालित्य है प्रचलित मुहावरों का भी खूब प्रयोग इन्होंने किया है काव्यगत विशेषता या काव्य विशेषता देखिए अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं ध्वनि योजना उनके पदों में पग पग पर प्राप्त होती है श्रृंगार के उद्दात रूप का चित्रण देव ने किया है कृतियाँ देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या बावन से बहत्तर तक मानी जाती है उनमें रसविलास भाव विलास भवानीविलास कुशल विलास, विलास अष्टयाम सुमिल विनोद सुजान विनोद काव्य रसायन प्रेम दीपिका आदि प्रमुख है अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर जो है पाठ परिचय और छंद परिचय देखिए हसी की चोट ये पहली कविता है इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है विप्रलम्भ कहने का मतलब है प्रेमी और प्रेमिका के वियोग का वर्णन कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियाँ हंसना ही भूल गई हैं वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं अब तो वे कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित हैं उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है दूसरा है सपना इसमें कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है और तीसरा है दरबार इसमें पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और यह भी बताया है कि किस प्रकार सामंती व्यवस्था की नींव खोखली होती जा रही है अब हम लोग आ जाते हैं छंद परिचय पर देखिए इसमें हम लोग कवित्व छंद की व्याख्या कर लेते हैं यह एक वार्दिक छंद है और इसे मनहरण नाम से भी जाना जाता है कवित्व के प्रत्येक चरण में इकतीस 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के सोलहवें और पंद्रहवें वर्ण पर यति अर्थात विराम होता है प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है अब हम लोग इसे ऐसे समझते हैं यह है कवित्व और अब हम लोग वर्णों की गणना शुरू करते हैं देखिए वर्ण क्या होता है क भी वर्ण है का भी वर्ण है की भी वर्ण है अर्थात जब वर्णों के साथ स्वर भी इंक्लूड हो जाता है तो उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं और इस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक सोलह वर्ण होंगे कैसे देखिए ये हो गया तीन ये हो गया तीन छ छ और ये हो गया दो छः दो आठ आठ और दो दस और एक ग्यारह एक ग्यारह एक और तीन चौदह और दो सोलह हो गया अब इधर देखते हैं तीन और तीन छः और दो आठ दस ग्यारह तीन चौदह और एक पंद्रह तो यहाँ देखिए पंद्रह और यहाँ सोलह दोनों को मिला दिए तो इकतीस वर्ण हो गए साथ ही साथ यहाँ पर हमेशा गुरु वर्ण होगा गुरु वर्ण कहने का मतलब है अ को छोड़ दीजिए ई को छोड़ दीजिए और ऊ को छोड़ देने के बाद बाकी सभी वर्णों का प्रयोग यहाँ पर होगा वही गुरु कहलाएगा तो यही है कवित्व छंद की व्याख्या आप देख लीजिए इसका एक और नाम मनहरण भी है अब हम लोग आ जाते हैं सवैया छंद की व्याख्या पर चूंकि सवैया वार्णिक छंद है इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं इनमें सबसे प्रसिद्ध मतगयंद सवैया है इसे मालती सवैया भी कहते हैं सवैया के प्रत्येक चरण में बाईस से छब्बीस वर्ड होते हैं अर्थात बाईस होंगे या बाईस से ज़्यादा होंगे छब्बीस तक हो सकते हैं लेकिन छब्बीस से ज़्यादा नहीं होंगे यहाँ देख लीजिए ये हो गया तीन एक चार एक पाँच और ये हो गया फिर तीन आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो यहाँ हो गए चौबीस इसी तरीके से आप कोई भी पंक्ति के वर्णों को काउंट कीजिएगा तो वो बाईस से छब्बीस के बीच में ही होगी तो ये था छंद परिचय सवैया का अब हम लोग आ जाते हैं पाठ पर जो पहला है हंसी की चोट देखिए सांसिनी ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी देव जिए मिली बेही की आस की आसहु पास अकाश रहियो भरी जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी ये सवैया और अब यहाँ देखिए सवैया से जुड़े जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उसके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करें अब हम लोग आ जाते हैं संदर्भ पर प्रस्तुत सेवैया रीति काल के रीतिबद्ध के श्रेष्ठ कवि देव की हंसी की चोट शीर्षक से अवतरित है प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि देव ने श्री कृष्ण के हंसी से घायल गोपी की विरह अवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है महाकवि देव के अनुसार कृष्ण के वियोग में पंच महाभूतों से बना यह गोपी का शरीर एक एक करके नष्ट होता जा रहा है और क्रमशः वह मृत्यु की तरफ बढ़ रही है गोपी की वेदना का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं कि अब आते हैं व्याख्या की ओर कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण गोपी के सामने से एक बार हंसते हुए मुख फेर कर चले गए हैं उसी दिन से नायिका विरह की पीड़ा से व्याकुल हो गई है ऐसा करते हुए श्री कृष्ण जैसे उसका हृदय ही चुरा कर ले गए हैं तभी से गोपी के शरीर से पांच तत्वों में से एक एक तत्व विदा होते चले जा रहे हैं अवस्था में तेज तेज सांसें छोड़ने से वायु तत्व आंसू बहने के कारण जल तत्व शरीर की गर्मी के द्वारा तेज अर्थात अग्नि तत्व विरह के दुख में दुखी होने के कारण शरीर की कमजोरी के कारण भूमि तत्व चला गया है इतना सब होने पर भी गोपी ने श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व को बनाए रखा है आकाश तत्व आत्मा का प्रतीक है वह तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित है जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी की तरफ से मुंह फेर लिया है तभी से उसका हृदय उनके साथ चला गया है और गोपी के मुख से हंसी गायब हो गई है वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है अब आते हैं विशेष तरफ वैदिक धर्म के अनुसार हमारा यह मानव शरीर पंच महाभूतों अर्थात फाइव एलिमेंट्स से मिलकर बना है कृष्ण के वियोग में गोपी के मृत्यु की तरफ बढ़ने की महाकवि ने पंच महाभूतों पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश के एक एक कर नष्ट होने के रूप में वर्णित किया है भाषा जो है वह ब्रजभाषा है इस रस का प्रयोग है तो श्रृंगार के वियोग श्रृंगार रस का यहाँ वर्णन है छंद सवैया है गुण माधुर्य गुण है अलंकार सांसिनी ही समीर में अनुप्रास अलंकार है हरी हरि यमक अलंकार है अर्थात एक हरि का मतलब हुआ हर लेना और एक हरि का मतलब हुआ श्री कृष्ण इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है अब हम लोग देखते हैं इस सवैया से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देखिए प्रस्तुत सवैये में किन पांच भौतिक तत्वों का वर्णन है वियोग में वे तत्व किस प्रकार विदा होते हैं देखिए उत्तर हसी की चोट सवैये में कवि ने इन पांच तत्वों का वर्णन किया है वायु जल भूमि अग्नि और आकाश वियोग में ये तत्व इस प्रकार विदा हो गए वायु तत्व वियोग में तेज सांसों के चलने से वायु तत्व विदा हो गया जल तत्व निरंतर आंसू बहने से जल तत्व बह गया अग्नि तत्व शरीर का तेज मिटने से अग्नि तत्व चला गया शरीर की दुर्बलता से भूमि तत्व समाप्त हो गया केवल आकाश तत्व है शेष है क्योंकि नायिका में अभी आशा शेष है सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य है उत्तर वियोग की दशा में नायिका गहरी आहें भरती है अतः तेज सांस से लेने से उसके शरीर की प्राण वायु निकलती रहती है पंच तत्वों से बने शरीर में वायु एक परम आवश्यक तत्व है वियोगावस्था में इसी आवश्यक तत्व का क्षय होता रहता है तो ये दो प्रश्न पहले पद से बनते थे अब हम लोग आ जाते हैं सपना देखिए जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो घहरी घहरी, घहरी घटा घेरी है गगन में आनी कहियो श्याम मोसों चलो झूलबे को आज फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में आंख खोली देखो तो ना घन है ना घन श्याम वही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए दृगन में देखिए ये कवित्त है कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ है और ये रहा संदर्भ प्रस्तुत रीति रीतिकाल के रीतिबद्ध के श्रेष्ठ कवि देव की सपना शीर्षक से अवतरित है, प्रसंग, में गोपी के एक स्वप्न, का वर्णन है। स्वप्न में वह कृष्ण के साथ बादलों से भरे आकाश तले झूला झूलने जाने वाली थी कि उसी समय उसकी नींद टूट गई और वह दोबारा वियोग स्थिति में पहुंच जाती है व्याख्या गोपी कहती है कि मैंने सपने में देखा कि झरझर की आवाज़ के साथ हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं आकाश में गड़गड़ाहट करते हुए बादल छाए हुए हैं उसी समय कृष्ण आकर कहते हैं कि चलो झूला झूलते हैं मैं आनंद में मग्न होकर बहुत खुश हो रही थी मैं उठना ही चाहती थी कि अभागी नींद खुल गई मेरा भाग्य ही खराब था कि मेरी नींद ही खुल गई और मैं कृष्ण के सहचर्य का आनंद उठा ना सकी आंखें खुली तो देखा ना बादल थे और ना ही कृष्ण थे कृष्ण से मिलन का वह आनंद अब विरह की वेदना के रूप में बदल चुका है और पुनः मेरे आँखों में अश्रु धाराएं भर गई तो ये थी इसकी व्याख्या अब आते हैं विशेष पर प्रस्तुत पंक्तियों में स्वप्न और उसके टूटने के माध्यम से कवि ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों अर्थात संयोग व वियोग को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है कवि के अनुसार गोपियाँ हर अवस्था में चाहे वो स्वप्न हो या चाहे वो जागृत अवस्था में हो श्री कृष्ण का सानिध्य चाहती हैं उनके लिए श्री कृष्ण का वियोग असह्य है कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग है भाषा में चित्रात्मकता व तुकांतता है गेयता का गुण विद्यमान है अर्थात इनके पदों को गाया जा सकता है कवित्त छंद का प्रयोग है झहरी झहरी तथा घहरी घहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है झहरी झहरी झीनी व निगोड़ी नींद में अनुप्रास अलंकार है सोए गए भाग मेरे में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है क्योंकि भाग्य कभी सोता नहीं फूला ना समाना में मुहावरे का प्रयोग है माधुर्य गुण है नींद का खुलना और भाग्य का सोना विरोधाभास से गोपी की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था उसकी प्रसन्नता क्यों खो गई देखिए नायिका ने स्वप्न में देखा कि सुखद वर्षा काल में कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं और उससे झूला झूलने का आग्रह कर रहे हैं नायिका इस प्रकार कृष्ण से मिलन के सुख के कारण प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी जैसे ही वह झूला झूलने के लिए उठी तभी उसकी नींद टूट गई कृष्ण से मिलन न हो पाने के कारण उसकी प्रसन्नता खो गई है नींद को निगोड़ी क्यों कहा गया है देखिए नायिका नींद को कोसते हुए उसे निगोड़ी कह रही है क्योंकि उसके दुख का कारण नींद है नींद के खुलने से उसका कृष्ण से मिलन का सुख अधूरा रह गया है अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्ति जो है दरबार से ली हुई साहिब अंध मुसाहिब मुख सभा बहरी रंग रीझ को माच्यो भूल्यो तहाँ भटक्यो घट अवघट बूढ़ीबो को काहू कर्म न बाच्यो भेष न सूझ्यो कहो समझ्यो ना बतायो सुनियो ना कहा रुचि राच्यो देव तहाँ निबरे नट की बिगरी मती को सिगरी निसी नाच्यो कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं आप जरूर अध्ययन करें संदर्भ प्रस्तुत सवैये में रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि देव की दरबार शीर्षक से अवतरित है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देव हमें तत्कालीन समाज सामंती व्यवस्था और दरबारी वातावरण के भोग विलास में डूबकर कर क्षीण हो चुके दरबारियों और चरमराती शासन व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या कभी कहते हैं कि वर्तमान समाज में राजा अंधे हो चुके हैं दरबारी गूंगे हो गए हैं तथा राज्यसभा के सदस्य बहरे हो गए हैं ये लोग सुंदर रंग रूप पर आम जनता से कर के रूप में वसूले गए धन को लुटा रहे हैं राजा अपने फर्ज और जिम्मेवारियों को अनदेखा कर रहे हैं राजा के कानों तक सच्चाई पहुंचाने वाला कोई नहीं रहा क्योंकि राजा द्वारा मनोनीत व चयनित सभासद चुप हैं आम जनता की आवाज दब रही है राजा और दरबारी अपने कर्तव्य भुलाकर रूप सौंदर्य में लिप्त होकर सारे पतीत कार्य कर रहे हैं नटों के पूर्ण रात्रि नृत्य करने पर भी इनके हृदय में ऊब नहीं आ रही है ऐसे भोग विलासिता से पूर्ण वातावरण में आम जनता के विकास काव्य और कला का कोई मोल नहीं है विशेष देव ने अपने समय के दरबारी तथा सामंती वातावरण पर करारी चोट करते हुए उसके प्रति अपने असंतोष को प्रकट किया है कवि का कहना है कि भोग विलासिता से पूर्ण वातावरण में काव्य और कला का कोई मोल नहीं है सभी लोग मात्र चाटुकारिता व अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगे हुए हैं सवैया छंद का प्रयोग हुआ है लालित्यपूर्ण ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है रुचि राच्यो निसी नाच्यो निबरे नट मुसाहिब मूक रंग रिज में अनुप्रास अलंकार है भोग विलास के कारण अकर्मण्यता दृष्टि गोचर होती है और प्रसाद गुण है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखिए दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन है देखिए दरबार सवैये में दरबारी वातावरण में कला विहीनता भोगविलासिता पूर्ण प्रवृत्ति का वर्णन है चाटुकारिता जिसे हम लोग चापलूसी कहते हैं का पूर्ण व्यवहार का वर्णन है रीतिकालीन काव्य में इस प्रकार की दरबारी संस्कृति का वर्णन अनेक कवियों ने किया है दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है दरबार का वातावरण आडंबरपूर्ण अर्थात दिखावों से भरा होता है और चाटुकारों से भरा होता है कला के पारखी ही वहाँ न के बराबर हैं इसलिए जो चापलूसी करता है राजा को वही पसंद आता है वहाँ गुण को नहीं चाटुकारिता को श्रेष्ठ माना जाता है सब पर भोग विलास और राग रंग का रंग चढ़ा है इसलिए राजा और दरबारी इत्यादि अंधे बने रहते हैं ऐसे दरबारी वातावरण में गुण और कला की परख की बात करना ही व्यर्थ है और अब हम लोग आ जाते हैं अपने अंतिम बिंदु पर जो है प्रश्न देखिए यहाँ कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम लोग निकाल लेते हैं देव किस है, तो काल के कवि हैं तो देव रीतिकाल के कवि हैं देव की भाषा क्या है ब्रजभाषा है कवि के अनुसार राजा कैसा है कवि के अनुसार राजा अंधा हो गया है झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है सपने में नायिका ने क्या देखा सपने में नायिका ने देखा बारिश में कृष्ण के साथ झूल रही है सपना टूटने पर नायिका की दशा कैसी हो गई अश्रुयुक्त आंसू से भर गई नट ने सारी रात क्या किया नट सारी रात नाचता रहा दरबार कविता में राज्य की स्थिति कैसी थी बिगड़ा हुआ तो इस तरीके से हम लोगों ने देव के पदों का विस्तृत अध्ययन किया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट उपलब्ध हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद